कहते हैं जो चीज हमें चैलेंज नहीं करती वो चीज कभी हमें बदल भी नहीं सकती। भागना भी तो ऐसा ही है, अगर तू अपने पैर बस उतने ही उठाएगा जितना उन्हें उठाना तुझे आसान लगता है, तो वो दौड़ना बता तेरे किस काम का है। भागने का मजा तो तब आएगा जब तू अपने पैरों को उनकी हद से ज्यादा उठाएगा, जब तुझे ये समझ में नहीं आएगा कि तेज भागने पे ध्यान दूं या अपनी इन बार बार टूटती हुई सांसों को संभालूं। क्योंकि असली जंग भागने में किसी और से नहीं, खुद अपने इस शरीर से है मेरे मिलखा। और जब तक तू बार बार हर बार हर दौड़ में अपने आप को चैलेंज नहीं करेगा, तब तक ना तेरे पैरों में वो जान आ पाएगी और ना तेरी सांसें तेरे कदमों के साथ अपनी ताल मिला पाएंगी। अगर बस एक दो बार दौड़ के मिल्खा बन जाया जाता तो ओलंपिक्स कब के बंद हो चुके होते। मिल्खा बनने के लिए कई हजार घंटों की दौड़ और कई हजार किलोमीटर की सड़क तेरे कदमों के नीचे से होकर निकल जानी चाहिए, तब जाकर तुझ में कहीं वो जीतने का विश्वास और जुनून आ पाएगा। जब भागना तेरे लिए बस एक वर्कआउट नहीं, तेरी सांसों की एक जरूरत बन जाएगी। जब हर एक तेज दौड़ती चीज तेरे दिल में दहशत नहीं, तेरे पैरों में वो आग लगा के जाएगी, तब जाकर तेरे अंदर के उस मिल्खा से तेरा सामना हो पाएगा। और फिर तू पूछेगा कितना तेज भागना है, बस ये सोच ले कि जितना तेरे लिए आसान है उससे हमेशा थोड़ा ज्यादा। हर बार जितना आसान हो जाए उससे हर बार थोड़ा ज्यादा। ऐसे तेज भागना है जैसे तेरे पीछे कोई शेर पड़ा हो, और तब तक भागते रहना है जब तक वो शेर थक के तेरा पीछा करना ना छोड़ दे। क्योंकि असली भागना तो वही है जो तुझे थका थका के तोड़ डाले। और इन सारे वहम को तेरे दिमाग से मिटा डाले। धीरे धीरे भागने वाले बस जीते तो रहते हैं, मगर खुद को मार मार के फिर से जिंदा नहीं कर पाते।